हेलो फ्रेंड्स, हमने उस दिन अमीबा के बारे में डीपली से पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र 10th के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर के लिए फिगर सहित वर्णन भी पूछता है। आज देखते हैं पाचन तंत्र मनुष्य का। तो हम लोग के सामने में पहले फिगर है, हम फिगर का वर्णन करते हुए इसको समझेंगे। पहले तो हम इसके फिगर को समझ लेते हैं कि भोजन कहाँ से कैसे कैसे होकर के गुजरता है, पहले किस अंग में जाता है, सेकंड किस में जाता है, थर्ड कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम अपने भोजन को मुंह में डालते हैं और किताबी भाषा में उसे मुंह गुहा कहते हैं। तो भोजन की क्रिया मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया मुंह गुहा से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है, रेक्टम में। ये आहार नाल कहलाता है, यानी कि मुंह गुहा से लेकर के रेक्टम तक की सारी संरचनाएं, मुंह गुहा से लेकर के रेक्टम तक की सारी संरचनाएं आहार नाल कहलाती है। आहार नाल की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। इसमें शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुंह गुहा से शुरू होती है, अर्थात भोजन हम लोग सबसे पहले कहाँ लेते हैं, मुंह में लेते हैं। मुंह में लेते हैं तो दांत, मुंह में और भी कई सारी संरचनाएं हैं, दांत की सहायता से उसे काटा जाता है, चबाया जाता है, पीसा जाता है और जीभ की सहायता से उस भोजन को निगल लिया जाता है। निगलने से पहले यहाँ पे लाल ग्रंथि देख रहे हैं, मुंह गुहा में सबसे पहले भोजन कहाँ लिया है, मुंह में लिया है और मुंह में दांतों की सहायता से उसे काटा पीसा चबाया जा रहा है और इसी समय जब उसे काटा पीसा जा रहा है उसी समय लाल ग्रंथि से लार निकलता है और वो लार का काम क्या है, उस भोजन को पीसना, गीला करना, उसे भिंगाता है। उसे अच्छी तरीके से भिंगाने के बाद वह भोजन आगे की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे मैं बढ़ रही हूँ, यानी मुंह गुहा में आया, दांत ने उसे चबाया, जीभ द्वारा उसे निगल लिया गया, लेकिन पानी उसे उस भोजन को गीला कर रहा था, कौन, तो लार ग्रंथि से निकला हुआ लार। वो लार से सना हुआ भोजन, लार से सना हुआ भोजन सीधे नीचे उतरते हुए और ट्रेकिया से होते हुए वो आता है किसने, ग्लास नली में। मुंह में आया लार ग्रंथि से, लार निकल करके भोजन यहाँ पे सनाया, सना हुआ भोजन वह नीचे की ओर उतरता है और ट्रेकिया में आता है। ट्रेकिया के बाद वो किस में जाता है, ग्लास नली में जाती है। ये ग्लास नली, ग्लास नली में लगातार संकुचन शिथिलन, लगातार सिकुड़न के कारण और चिकने म्यूकस के वजह से भोजन आगे की ओर धकेलता चला जाता है। तो इसमें चिकना म्यूकस होता है और यह लगातार सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है। तो लगातार जो सिकुड़ेगा, तो मान चलिए यहाँ वाला सिकुड़ा तो यहाँ पे जो भोजन है वो आगे जाएगा, फिर यहाँ सिकुड़ा तो फिर आगे जाएगा। तो सिकुड़ने की वजह से और म्यूकस, चिकना म्यूकस की वजह से ये भोजन क्या हो जाता है, आगे की ओर धकेलता हुआ बढ़ता चला जाता है। तो वह उसके बाद, यानी ये ग्लास नली में, ग्लास नली के बाद वो सीधा चला जाता है किसमें, अमाशय में। वो भोजन ग्लास नली में जाने के बाद कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। और अमाशय में एंजाइम उपस्थित होते हैं, अमाशय में एंजाइम उपस्थित रहते हैं, यानी सना हुआ भोजन अमाशय में जब आया है तो अमाशय का काम होता है उस भोजन में जो कीटाणु आया हुआ है उस भोजन को कीटाणु रहित बनाकर HCl से रक्षा करने हेतु उसे तैयार किया जाता है। किसे, तो सने हुए भोजन जो ऊपर से आया है, यानी कीटाणु रहित बना करके उसे HCl से बचने के लिए उसे तैयार किया जाता है। और यहाँ पे और इसी अमाशय में ही कुछ वसा और प्रोटीन का भी पाचन होता है, इसी अमाशय में कुछ वसा और प्रोटीन का भी पाचन होता है। और यहाँ से जब ये क्रियाएं पूरी हो जाती है तो अमाशय से निकल करके वह छोटी आंत में प्रवेश करता है। अमाशय से निकल करके वह किस में प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। और छोटी आंत में भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है, यानी जो उधर नहीं पचा था वो यहाँ पे अंतिम रूप से पचता है। यहाँ पे पहले से ही, यहाँ पे तो एंजाइम होते ही है, यहाँ पहले से ही एंजाइम उपस्थित होते हैं। साथ ही यकृत से स्रावित पीत, यकृत से स्रावित क्या, पीत और अग्न्याशय, यकृत से स्रावित पीत और अग्न्याशय से स्रावित होने वाले एंजाइम छोटी आंत में पहले से उपस्थित क्या सब, तो अग्न्याशय से यहाँ पे इसके भी एंजाइम मौजूद होते हैं और यकृत,
का पित्त भी यहाँ पे उपस्थित होता है। इन दोनों चीज और पहले से छोटी आंत के पास एंजाइम है ही, तो ये सभी आपस में मिल करके उधर से ऊपर से आए हुए भोजन को और अच्छे तरीके से पचाता है और यहाँ पे आकर के यहाँ पे अवशोषण होता है। जो भी भोजन में न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, इसी छोटी आंत में इसे अवशोषित कर लिया जाता है। बाद बाकी यहाँ के बाद जो भी अब पाचन अंतिम रूप से यही हो गया, इसके बाद छोटी आंत जब अपने सभी न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर लिया, इसकी सतहें खींच ली है उस भोजन में जो भी उपयोगी पदार्थ था, उसके बाद वो अब उस अपचय भोजन को या फिर अपशिष्ट भोजन को वो फिर क्या करता है, बड़ी आंत में भेज देता है। और बड़ी आंत का सिर्फ तो सिर्फ एक ही काम होता है, उस भोजन जो भोजन को छोटी आंत ने है बड़ी आंत को भेजा है, उस भोजन में जितना भी और जल मौजूद होता है उस जल को अवशोषित करने का काम किसका होता है, तो बड़ी आंत का होता है। बड़ी आंत केवल तो केवल जल का अवशोषण करती है और बड़ी आंत जब जल का अवशोषण कर लेती है तो यह जाकर के रेक्टम में जाकर जमा हो जाता है और अंत में मलद्वार के रास्ते से यह समय पर बाहर निकल जाता है। तो ये हमने देखा कि कैसे कैसे वो अपना भोजन ग्रहण करता है, कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। छोटी आंत में पहले तो मुख गुहा में हमने भोजन लिया, दांत की सहायता से उसे चबाया, उसके बाद लार ने उसे साना और आगे की ओर भेजा, तो वह ट्रेकिया में जाया, ट्रेकिया के बाद वो ग्रास नली में आता है, ग्रास नली के बाद वो यकृत में नहीं जाता है। याद रखिएगा कि ये जो फिगर है, इस फिगर में दो चीज ऐसे हैं, ये तो एक यकृत और दूसरा अग्न्याशय, भोजन इन दोनों में नहीं जाता है। तो इनका काम क्या था, आपने सुना कि मैंने बताया कि छोटी आंत में यकृत द्वारा स्रावित पित्त मौजूद होता है और अग्न्याशय का एंजाइम होता है, तो ये दोनों अपने अपने रासायनिक पदार्थ इसको देते हैं, तो इन दोनों के पदार्थ के वजह से भी तो यहाँ भोजन टूटा है, लेकिन इस अंग में नहीं प्रवेश करता है वो भोजन, भोजन यकृत और अग्न्याशय में नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे वो अपना रासायनिक पदार्थ देता है जिसकी उपस्थिति में भोजन और अच्छे से टूट पाता है। तो हमने देख रहा था कि ग्रास नली के बाद वह भोजन कहाँ जाती है, वह भोजन जाती है अमाशय में, और अमाशय अपना कार्य, मैंने जो बताया अमाशय अपना कार्य करने के बाद वो कहाँ पहुंच जाती है, वो सीधे आती है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, और छोटी आंत जब अपना कार्य पूरा कर लेता है तो वह बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर की लगभग होती है, और इस तरह से हमने बताया कि वह मलद्वार के रास्ते से बाहर हो जाता है। आगे हम लोग और भी टॉपिक इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव के तौर पे कुछ देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मुख गुहा से हम लोग शुरू करते हैं भोजन का पाचन, यानी सबसे पहले मुख गुहा में लेते हैं, तो मुख गुहा में और भी बहुत सारी संरचना है, तभी तो मैंने बस ये बताया कि कहाँ कहाँ से गुजर जाता है, मैंने सारे पाचन प्रक्रिया को समझा दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा अलग से देखेंगे क्या। तो मुख गुहा में और भी कुछ संरचनाएं होती है, जैसे दांत, होंठ, जीभ, ये सभी उपस्थित होते हैं, तो इन सभी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भोजन देने के लिए सबसे पहले भोजन शरीर के अंदर जाने के लिए हमने मुंह में डाला, मुंह में जैसे ही डालते ही भोजन का पाचन करना शुरू हो जाता है, यानी दांत अपना काम शुरू करता है, उसे चीरने फाड़ने का काम शुरू करता है, तो दांत चबाना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले दांत आता है। तो चलिए हम लोग दांत के बारे में जान लेते हैं, दांत क्या है। तो मान लीजिए ये दांत है, मान लेते हैं कि ये दांत है, तो दांत के 3 भाग होते हैं। दांत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, एक तो जड़, फिर बीच वाला भाग गर्दन, और सबसे ऊपर वाला भाग शिखर। तो आप जानते हैं कि ये दांत मसूड़ों में धंसा होता है, दांत किसमें धंसा होता है, मसूड़ों में धंसा होता है। तो जो भाग दांत का जो भाग मसूड़ा में धंसा होता है, जैसे ये मेरा दांत था और ये मसूड़ा में धंसा हुआ है, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, दांत का जड़ कहलाएगा, और सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, सिर या शिखर कहलाएगा। दांत का जो भाग धंसा हुआ है मसूड़ा में वो क्या हो गया, जड़, और जो भाग ऊपर की ओर दिख रहा है उभरा हुआ वो कौन सा हो गया, शिखर या सिर,
और सिर और जड़ के बीच, दांत के सिर और जड़ के बीच जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला भाग दांत का हो जाएगा ग्रीवा या गर्दन, ग्रीवा या गर्दन। तो जो भाग मसूरा में धंसा हुआ है उसको हमने क्या बताया, जड़। दांत का वह भाग जो मसूरों में धंसा होता है वो क्या है, जड़ है। और सबसे ऊपर दांत का सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, सिर या शिखर, सिर या शिखर कहलाता है। और ऊपर वाला भाग हमारा क्या हो गया, सिर, और नीचे वाला भाग हो गया जड़। सिर और जड़ के बीच वाला भाग दांत का क्या कहलाता है, तो वो ग्रीवा कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, यानी कि उसका गर्दन कहलाता है। वैसे भी जानते हैं सबसे ऊपर वाले भाग को सिर कहते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग को सिर कहते हैं, ये गर्दन हुआ और लास्ट में जड़ हुआ, यही ना। तो इसका बीच वाला भाग गर्दन कहलाएगा, ऊपर वाला भाग सिर कहलाएगा और नीचे वाला भाग जड़ कहलाएगा। तो दांत के तीन भेद थे, हमने वो देख लिया, तीन भाग थे, भेद इनके चार होते हैं, चवर्णक, अग्रचवर्णक और ये सब देखते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग मुख गुहा में, हमने दांत को देख लिया। उसके बाद होंठ होते हैं, होंठ की संख्या दो होती है। होंठ का काम क्या होता है, मुख गुहा को बंद करना। होंठ का काम क्या होता है, मुख गुहा को बंद करना। होंठ मांसल संरचना है, होंठ मांसल संरचना है, मांस की बनी हुई होती है। ये इसका मुख्य काम क्या है, तो मुख गुहा को बंद करना। इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो चलिए हमने दांत देख लिया और होंठ देख लिया। उसके बाद देखते हैं कि इसमें जीभ, जीभ ही होती है, तो जीभ का क्या काम है। तो जीभ, सबसे पहली बात कि जीभ की संरचना, मान लीजिए कि ये जीभ है, ये क्या है, जीभ है। इसके दाने दाने नुमा, ये भी मांसल संरचना होती है, ये भी मांस की बनी होती है। और इस पूरे जीभ पर दानेदार संरचना बिखेरा हुआ रहता है। इस संरचना को, इस कली को हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। इस पूरे होंठ पर, इस पूरे जीभ पर दाने दाने जैसी संरचना बिखरी हुई रहती है। इस संरचना को अंकुर कहते हैं, या नहीं तो स्वाद कलियां कहते हैं। और इस स्वाद कलियां का काम क्या होता है, इस स्वाद कलियां का काम होता है कि हम लोग जो भी कुछ भोजन करते हैं उसका स्वाद बताना। अभी मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है वो भोजन स्वाद में, वो स्वाद कौन बताता है, तो जीभ पर उपस्थित स्वाद कलियां बताता है। खट्टार का जो भी कुछ हमें अनुभव होता है किसके वजह से, जीभ पर उपस्थित वो अंकुर जो है उसका नाम स्वाद कलियां है। स्वाद कलियां की वजह से हमें स्वाद का पता चलता है। तो हमारा ये भी हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दंत का भी एक और टॉपिक है, दो तीन मार्क के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पे है दंत अस्थि है, दंत अस्थि है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान, नाम में ये दंत अस्थि है। दांतों के अस्थि का क्षय होना, दांत का अस्थि कैसे क्षय होता है, तो जब कभी हम लोग कोई भी मीठा पदार्थ या कुछ ऐसा पदार्थ खाते हैं जो हमारे दांतों में चिपका हुआ रह जाता है, तो उस कंडीशन में जब हम लोग उसे अच्छे तरीके से नहीं धोते हैं तो वो हमारे दांतों पर अस्थायी रूप से पहले परत बनाता है। उसके बाद उस अस्थायी रूप से परत बनाने के बाद वहां पर धीरे 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 अम्ल का निर्माण होता है, और हमारे उस अम्ल के वजह से दांतों के अस्थि का क्या होता है, क्षय होता है। उस दांतों के अस्थि का क्या होता है, क्षय होने लगता है, अर्थात उस दांत में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, दंत अस्थि क्षय। अब इस दंत अस्थि क्षय से बचने के लिए हमें कुछ भी ऐसा पदार्थ खाने के बाद हमें अच्छे तरीके से दांत की सफाई करनी चाहिए। और जब हमने बताया कि अम्ल की परत बन जाती है, तो अम्ल की परत बन गई तो आप जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में ही कि अम्ल की अभिक्रिया किससे करा दी जाए, तो क्षार से करा दी जाए तो वह उदासीन हो जाएगा। इसीलिए हमें पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और पेस्ट में क्या होता है, क्षार होता है। तो हमारे दांतों के परत पे अम्ल था और हमने क्षार का इस्तेमाल किया तो वह उदासीन होगा। अर्थात कोई भी मीठा पदार्थ खासतौर पर खाने पर हमें मुँह की सफाई अच्छे से करनी चाहिए, ताकि हमारे पास भी दंत अस्थि क्षय का कोई केस ना दिखे। तो हमने ये भी देख लिया। अब देखते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया था यकृत, क्या भोजन यकृत में आई थी, नहीं, ये पित्त का स्राव कर रहा था। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है,
तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का काम होता है वह पित्त का स्राव करता है, और पित्त हमारे भोजन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भोजन के वसा का पाचनीकरण करने के लिए। यकृत का वजन 1.5 kg होता है और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की यकृत होती है, 1.5 kg इसका वजन है। अब एक बार देख लेते हैं फिर से, छोटी आंत की लंबाई हमने कितना बताया था, 6 मीटर, चौड़ाई 2.5, और बड़ी आंत का बताए थे 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। उसके बाद अग्नियाश, यहाँ जो अमाशय है, अमाशय से ही FCL अंग का स्राव होता है। याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो भी होता है तो वो किस अंग के वजह से होता है, तो अमाशय में ही FCL अंग होता है, जिसके वजह से हम लोग जो सुनते हैं कि गैस बना हुआ है पेट में, तो वो अमाशय में FCL अंग का स्राव होता है। तो हमने ये भी देख लिया। तो अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को एक में शामिल करेंगे। आज थोड़ा सा हम मेनली मुख्य रूप से, आज हमने सबके ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा, आज हमने बस पाचन तंत्र को समझाया कि भोजन कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि, वैसे ये चैप्टर खत्म होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव हम लोग एक क्लास में देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अगर हमारे वीडियो को समझ पा रहे हैं तो। थैंक यू।